सुजानपुर टीहरा के मुरली मनोहर मंदिर में परिक्रमा करने का महत्व इस माह और भी बढ़ जाता है, जिसमें लोग सुबह और शाम सैकड़ों चक्कर लगाकर मुरली मनोहर के प्रांगण में चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं, जिस कारण मंदिर पुजारी ने बताया कि मणि मासा होने के कारण विष्णु भगवान की आराधना की जाती है, जिस कारण इस माह जो है लोगों की आवाजाही इस मंदिर में काफ़ी हो जाती है। इस परिक्रमा करने से मनुष्य द्वारा किए गए अनजाने अनजाने में पापों का नाश हो जाता है, जिस कारण चारों तरफ लोग परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस माह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिस कारण लोग मंदिर में अधिक पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं पंडित तरंग अवस्थी। ये मास है पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है आजकल, तो इस मास में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है और मंदिर की परिक्रमाएं जैसे कि फेरी लगाते हैं, इसमें भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हुए, वैसे तो 1008 फेरी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ के लोग हैं वो इसमें इतनी यथायोग्य परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। और ये जो मास है भगवान इसको 13 महीने बताया जाता है और भगवान कृष्ण का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। पूजन करने से कई प्रकार के पाप कटते हैं और कई जन्मों के पापों का नाश होता है। इस मास में जैसे कि कंसे का दान लिखा हुआ है, फल दान लिखा हुआ है और कई प्रकार के ब्राह्मण को दान करने से कई कष्टों से मुक्ति होती है। जय श्री राम।